थोड़ी सी यार, तुम ही मना करोगे फिर कहेगा कौन? जाएंगे तो आपके शायर को भी ख़त्म कर देगा। ऐसे मालिक आपको मिलेंगे जिन मुल्कों में, पूरे मुल्क में किसी मस्जिद में मुअज्जिन ही नहीं है। भाई मुअज्जिन क्यों नहीं है? अजान के लिए कि नहीं, नेट से अजान हो जाती है, क्या जरूरत है मुअज्जिन की? तनख्वाह देनी पड़ेगी, समझ आ रही है? ये कहीं की नहुसत है? जी हाँ, ये रिवाज की नहुसत है, ये रिवाज की नहुसत है कि जब दावत तामा जो अजान है, जब आप इसको सहूलत पर लाएंगे तो फिर आप इस्लाम के एक शियार से महरूम हो जाएंगे। वो शियार क्या है? अजान है। शियार क्या है? अजान दावत तामा है। अजान क्या है? अजान दावत तामा है, आप इससे महरूम हो जाएंगे। रिवाज क्या है? कितनी सहूलत है, क्या है? हालांकि अजान जैसा अमूमी काम कोई भी अजान नहीं, कोई और इतना मुअस्सिर अमल था। अल्लाह अजान इतना मुअस्सिर अमल था, और अजान अजान दहशत का, और अजान यानी क्या कहना चाहिए कि आदमी की जीख का ऐसा इलाज था। इब्न असाकिर की रवायत तो यहाँ तक है कि ज़मीन आसमान के बनने के बाद, ज़मीन आसमान के बनने के बाद सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में दी गई। ज़मीन आसमान के बनने के बाद पहली अजान कहाँ दी गई है? सबसे पहली अजान जो दुनिया में हुई है, ज़मीन आसमान के बनने के बाद जो पहली अजान दुनिया में हुई है वो कहाँ हुई है? इंसान को फख्र होना चाहिए। पहली अजान कहाँ दी गई है? ना मक्के में, ना मदीने में। सबसे पहली अजान कहाँ? मैं समझता हूँ कि इस दावत के काम की यहाँ से इब्तिदा